डीआरडीओ स्टेनोग्राफर ग्रेड फर्स्ट एंड सेकंड के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में आखिर इतने डिले क्यों हो रहा है? बहुत सारे कैंडिडेट परेशान है, बहुत सारे कैंडिडेट जो है कमेंट कर रहे हैं कि आखिर सर इतना डिले क्यों हो रहा है, स्टेनोग्राफर ग्रेड सेकंड का तो रिजल्ट भी आ गया है लेकिन आगे का प्रोसेस क्यों नहीं कराया जा रहा है? ना ही अभी डीवी के लिए मेल आया आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ना अभी स्टेनोग्राफर ग्रेड फर्स्ट का रिजल्ट आया है, तो इतना डिले क्यों हो रहा है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविंद्र, आप देख रहे हैं सरकारी एग्जाम खबरी यूट्यूब चैनल में, आप सभी का स्वागत करते हैं। देखिए, मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में बताया है कि आप लोगों को कि डीआरडीओ का इतना देखिए डिले होने का एक कारण ये हो सकता है कि डीआरडीओ की बहुत सारी जो लैब्स हैं वो आपस में मर्ज हो रही हैं। जैसा कि ये स्क्रीनशॉट आप देख सकते हो, ये जो चंडीगढ़ की लैब है उसमें दिल्ली वाली लैब जो है वो मर्ज की जा रही है। ऐसे बहुत सी जो लैब है डीआरडीओ की उनको मर्ज किया जा रहा है, यानी आई थिंक जो है डीआरडीओ की कुल मिलाकर 52 या 56 लैब हैं, 52 आई थिंक लैब हैं डीआरडीओ की, उस जो लैब को है कम करके यानी मर्जिंग के थ्रू उस लैब को कम करके 10 या 12 या ऐसे कुछ करके लैब बनाई जा रही है। तो इस प्रोसेस में काफी ज्यादा टाइम लग रहा है, हो सकता है इसी कारण की वजह से आप लोग का रिजल्ट को है अभी इतना डिले किया जा रहा है। तो बहुत सारे कैंडिडेट ये कमेंट करें कि आखिर सर डिले होने का कुछ तो कारण बताइए, क्या हो सकता है? एक रीजन मुझे तो यही लगता है कि आप लोग का इतना रिजल्ट में डिले हो रहा है, एक यही कारण हो सकता है रिजल्ट अभी ना आने का, और जो आगे का प्रोसेस है जिनका डीवी का मेल अभी बाकी है वो ना आने का। आखिर आप लोग का रिक्रूटमेंट करना है तो वो सोच रहे हैं कि इससे पहले ही क्यों ना जो मर्जिंग का जो प्रोसेस है वो पूरा हो जाए, उसके बाद आप लोग का जो कहाँ सेट करना है, कहाँ आप लोग का रिक्रूटमेंट करना है, किस लैब में करना है, वो सारा प्रोसेस आगे का डिसाइड कर लेगा डीआरडीओ। तो हो सकता है थोड़ा सा डिले और हो जाए, लेकिन जैसे ही कोई ठोस अपडेट मुझे मिलेगी, जैसे ही कोई जानकारी मिलेगी तो आप लोग को वीडियो जरूर प्रोवाइड होगी। अभी के लिए मुझे तो एक आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे कैंडिडेट कमेंट कर रहे हैं कि सर आखिर हम लोग का इतना डिले क्यों हो रहा है, तो एक रीजन आप लोग का यही हो सकता है कि डीआरडीओ के लैब्स जो है काफी जो मर्ज हो रही हैं इसी वजह। सुपेंस, अगर आप हमारे इंस्टा आईडी से ज्वाइन नहीं है तो ये रहा हमारे इंस्टाग्राम आईडी का स्क्रीनशॉट, इसको फॉलो कर लीजिए। आपके जो भी डाउट्स हैं, आपके जो भी छोटे मोटे कमेंट होते हैं, आप इसमें मैसेज करिए, आपको रिप्लाई इसी के थ्रू आपको मिलेगा। और हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सरकारी एग्जाम खबरी के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। काफी कैंडिडेट उसमें आपस में ग्रुप डिस्कशन भी करते हैं, जो भी क्वेश्चन होता है वहां भी आप कर सकते हो। तो ये दोनों को आप फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को, इंस्टा आईडी को फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। ऐसे आप लोग का रिक्रूटमेंट प्रोसेस रुका हुआ है, तो ये छोटी सी अपडेट आप लोगों को देनी थी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल से अगर नए कैंडिडेट है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक कीप स्टडीइंग, कीप वॉचिंग सरकारी एग्जाम खबरी। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।